चलिए तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज थोड़ी सी नेट के प्रॉब्लम के वजह से आज मुझे क्लास थोड़ा सा पहले लेना पड़ रहा है बच्चों। तो हियर वी स्टार्ट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Sm प्लस थ्री एंड Eu प्लस थ्री डिफरेंट, मतलब इनकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और एक्सपेरिमेंट वैल्यू में क्या डिफरेंस है, बेसिकली हमें ये देखना है। और ये 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2012। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Sm प्लस थ्री एंड Eu प्लस थ्री डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो दोनों को जब कैलकुलेट किया गया और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखा गया तो दोनों में बिल्कुल अंतर देखने को मिल रहा था। सबसे पहले देखेंगे कि क्या रीजन है। बिकॉज फॉर द मोस्ट लैंथेनाइट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज अबाउट 1000 to 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम लोगों ने क्या डिफरेंस देखा कि जो मोस्ट ऑफ लेंथेनाइड होते हैं उनकी जो वैल्यू लैम्डा वैल्यू होती है वो 1000 से लेकर 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच होती है, ठीक है। लेकिन हाउ एवर द लैम्डा वैल्यू ऑफ Sm प्लस थ्री एंड Eu प्लस थ्री इज अबाउट 300 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप ये देख सकते हो, आप ये बोलोगे कि सर जो लेंथेनाइड होती है कहीं ना कहीं ऊपर होती है, 1000 से सर ऊपर होती है। लेकिन जो Sm प्लस थ्री और Eu प्लस थ्री, ये हमारा डिफरेंस इसलिए था क्योंकि इनकी जो लैम्डा वैल्यू थी वो कहीं ना कहीं हमारे पास थी 300 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास थी, ठीक है, विच इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो देयरफॉर कैलकुलेटेड वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट वैल्यू। तो आप यहाँ पे आप यही देखोगे कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और एक्सपेरिमेंट वैल्यू है उसमें कितना अंतर है, ठीक है। आप लोगों ने ये देखा कि सर लेंथेनाइड तो 1000 के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि Sm प्लस थ्री और Eu प्लस थ्री में अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू मिल रही है वो 300 सेंटीमीटर इनवर्स मिल रही है, जो कि बहुत ही छोटी है कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंट वैल्यू से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए। सो द लैम्डा वैल्यू इज वेरी स्मॉल, सो सेपरेशन बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट इज वेरी स्मॉल। सो द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेटेड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, सिंस दिस एक्साइटेड स्टेट है हायर जे वैल्यू। तो जाहिर सी बात है आप यही देखोगे सर दोनों में बहुत सारा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। ये 300 है ऊपर और वहां पे बता रहा है कि लेंथेनाइड की जो वैल्यू होगी 1000 इनवर्स से लेकर 3000 इनवर्स के बीच में होगी, लेकिन आपने क्या देखा कि सर ये वैल्यू छोटी होती है। तो जाहिर सी बात है जो लैम्डा वैल्यू का जो गैप होगा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में बहुत ज्यादा होगा, तो इसीलिए जो आप इसके बीच में जो सेपरेशन होगा देखने के लिए मिलेगा वो बेसिकली ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में वो छोटा देखने के लिए मिलेगा। तो यही आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट एक्साइटेड होता है एक्साइटेड स्टेट जो होती है पॉपुलेटेड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है, एंड सिंस दिस एक्साइटेड स्टेट है हायर जे वैल्यू। तो इस एक्साइटेड स्टेट के पास क्या होता है हायर जे वैल्यू होता है अगर कंपेयर किया जाए ग्राउंड स्टेट वैल्यू से। आई होप ये जो 2012 वाला क्वेश्चन था एक नंबर में कंपलसरी पूछा हुआ, तो आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। बस आप एक ही सूटेबल आंसर इसका देना सर, इसलिए क्योंकि लैम्डा जो वैल्यू हमारे Sm प्लस थ्री और Eu प्लस थ्री का था वो लगभग लगभग हमें 300 सेंटीमीटर इनवर्स देखने के लिए मिला था, जो कि हमें अगर बात की जाए तो मोस्ट ऑफ लेंथेनाइड जो शो करते हैं वो 1000 से लेकर 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास में ये शो अप करते हैं। चले बच्चों अब हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड के बारे में, ठीक है। सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड के बारे में पढ़ेंगे, जो सेपरेशन जब हम लेंथेनाइड का किसी भी लेंथ अगर सेपरेशन के बारे में बात करते हैं हम लेंथेनाइड को कैसे सेपरेट करेंगे तो हम दो मेथड से सेपरेट करते हैं, एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से और एक दूसरा हमारा होता है आयन एक्सचेंज मेथड से, हम दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे क्या लिखा हुआ है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। देखो आगे चल के देखते हैं, द हैवियर लेंथेनाइड आयन जिसके पास प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, आपको भी पता है कि वो मोर स्टेबल कंपाउंड होता है और मोर सॉल्युबल होता है इन ट्राई एंड ब्यूटाइल फॉस्फेट में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे यही देखोगे कि सर जितने भी प्लस थ्री वाले ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे वो क्या अच्छी तरीके से सॉल्युबल होंगे और स्टेबल भी होंगे, और ये जो हमारा है वो ट्राई एंड ब्यूटाइल फॉस्फेट में बिल्कुल अच्छे तरीके से ये सॉल्युबल होंगे अगर बात की जाए दूसरे लेंथेनाइड के कंपैरिजन में। तो
तो यहाँ पे आपने देखा द हैवियर लेंथेनाइट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर सॉल्युबल इन ट्राई एंड ब्यूटाइल फॉस्फेट देन ऑल लाइटर लेंथेनाइट आयन ऑफ प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट देयर सॉल्युबिलिटी इन वॉटर इज यूनिट सॉल्वेंट एंड हाउ एवर आर रिवर्स्ड दस इफ अ सॉल्यूशन ऑफ लेंथेनाइट नाइट्रेट इज नाइट्रिक एसिड इज टेकन विद द ट्राई एंड ब्यूटाइल फॉस्फेट देन हैवियर नाइट्रेट आर एक्सट्रैक्टेड इन टू द सॉल्वेंट. देखो भाई आगे चल के एक बार हम जूम कर लेते हैं इसको. देखो जो सॉल्युबिलिटी होती है ना इसकी वाटर में और जो आयनिक ये सॉल्वेंट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं ये आगे चल के ये रिवर्स हो जाते हैं ठीक है. लेकिन अगर सॉल्यूशन ऑफ लेंथेनाइड के बारे में बात करते हैं तो जो नाइट्राइट्स जो जितने भी नाइट्राइट्स रहते हैं और वो क्या करते हैं नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट जाते हैं. कब? जब आप उसको सेक करोगे. किसमें? उसी सॉल्यूशन में. किसमें? ट्राई एंड ब्यूटाइल फॉस्फेट में. जब ऐसे आप सेक करोगे जब तो ये नाइट्रेट जो होता है वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट जाता है. जब नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट जाता है तो जो जो बड़े बड़े हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं. इसी तरीके से आप हैवियर जो नाइट्रेट होता है आसानी से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? जाहिर सी बात है वो सॉल्यूशन के अंदर आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगे. सो दिस टू सेपरेट द इंडिविजुअल एलिमेंट. ठीक है तो बेसिकली आप इसको अच्छे तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो. कब? जब आप जो हमारा ट्राई एंड ब्यूटाइल फॉस्फेट था जब उसको आप सेक करोगे तो नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है और जो हैवी वाला रहता है वो नीचे की तरफ चला जाता है. आप अच्छे तरीके से आप इजीली इसको सेपरेट कर सकते हो. तो ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड था. बेसिकली हमने क्या बोला कि पहले प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लिए. वो आपको बताया कि सर वो मोर सॉल्युबल होता है और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. किसमें? ट्राई एंड ब्यूटाइल फॉस्फेट में. फिर उसके बाद आप यही देखे कि सर जो लाइटर वाला था वो उतना अच्छे तरीके से वो सॉल्युबल नहीं हो रहा था. फिर आपने ये बताया कि सर ये आयनिक सॉल्वेंट के अंदर हम देखे तो ये रिवर्स हो जाता है. रिवर्स इसलिए हो जाता है जब इसको पूरी तरीके से सेक करते हैं तो नाइट्रेट जो होता है नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद जो हैवियर जो नाइट्रेट होते हैं वो नीचे की तरफ चलते हैं तो हम आसानी तरीके से सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है दिस टू सेपरेट द इंडिविजुअल एलिमेंट. ऑल लार्ज कॉमर्शियल प्रोडक्शन इज नाउ डन दिस वे. तो जितने कॉमर्शियल जो लार्ज स्केल पे जितना जो प्रोसेसेस होते हैं इसी तरीके से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के थ्रू हमारा ये किया जाता है. द टेक्निक वॉज ओरिजिनली डेवलप इन टू द अर्ली डेज ऑफ एटॉमिक एनर्जी रिसर्च. एटॉमिक एनर्जी रिसर्च टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द लेंथेनाइड एलिमेंट प्रोड्यूस बाय द फिजन ऑफ यूरेनियम. तो ये बताया जा रहा है कि इसी टेक्निक का ओरिजिनली कब ये डेवलप किया गया था. बहुत पहले डेवलप किया गया था इसको. जब एटॉमिक एनर्जी रिसर्च में हमें बेसिकली जब ये लेंथेनाइड को सेपरेट करना था तो इसको डेवलप किया गया था ताकि हम आसानी तरीके से लेंथेनाइड एलिमेंट को हम पहचान सके और जो यूरेनियम के थ्रू जो फिजन हो रहा था ना जो प्रोड्यूस हो रहा था तो जो भी उसके अंदर हमारे लेंथेनाइड थे इसके थ्रू हम आसानी तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सके. इसीलिए ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज किया गया था. आगे चलते हैं पेज नंबर 3 पे. देखो बच्चा दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी ऑफ लेंथेनाइड कंपाउंड. तो जो ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है वो डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी पे ये पूरी तरीके से डिपेंड है और ये बेस्ड है. बेसिकली आप लोगों ने बताया कि जो लाइटर जो हमारे नाइट्राइट थे वो ऊपर चले जा रहे थे और जो हैवियर नाइट्राइट थे जो नाइट्रेट थे वो नीचे की तरफ चले जा रहे थे. आप जाहिर सी बात है इसको आसानी तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो. हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लेंथेनाइड को? तो हैवियर वाला जो हमें मिल रहा है नीचे की तरफ और लाइटर वाला ऊपर की तरफ. तो ये जो हमारा मेथड है वो पूरी तरीके से डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड है. ठीक है द एक्सटेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. तो आप ये बताओगे कि जो एक्सटेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है लेंथेनाइड का जो भी हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसके अंदर मिलाते हैं तो वो कैसे इंक्रीज होगा? तो जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसकी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टी होगी तो वो भी बढ़ेगी. क्यों बढ़ेगी बच्चा? क्योंकि बिकॉज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज रिजल्ट इन डिक्रीज इन आयनिक रेडियस विच टर्न इन इंक्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन. कहने का मतलब ये है, एक सिंपल भाषा में ये बताया जा रहा है कि जो एक्सट्रैक्शन लेंथेनाइड एलिमेंट का जो होता है ना उसकी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तभी इंक्रीज होगी जब उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा. ये कारण क्यों है? कारण मैं ये बताओगे सर बिकॉज जो न्यूक्लियर चार्ज होता है
और वो बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो आप एक सिंपल तरीका पढ़े वो कि सर आयनिक जो रेडियस होता है वो बेसिकली कम हो जाते हैं, और जब आयनिक रेडियस कम हो जाता है तो इसी को ये बेसिकली लेंथेनाइड को ये कॉम्प्लेक्स बनाने में पूरी तरीके से मदद करते हैं। तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि सर जब न्यूक्लियर चार्ज जब डिक्रीज क्या कर देगा आयनिक रेडियस को, तो ये आसानी से आप यही देखोगे कि सर ये कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है। तो आपने ओवरऑल ये देखा कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से सर इजी वे में इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैरेक्टर को कैसे बढ़ा सकते हो। तो आपने यहाँ पे पढ़ा कि सर जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज उसका क्या होगा, उसके कारण जो आयनिक रेडियस होगा वो डिक्रीज होगा, इसके वजह से वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप हैवियर नीचे बैठ जाएगा, ऊपर की तरफ लाइटर चला जाएगा, तो हम आसानी तरीके से इसको अलग कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक पहला वाला मेथड क्लियर हो गया होगा। चले बच्चों अब पढ़ेंगे क्या हम आयन एक्सचेंज मेथड। क्या हमारा होता है आयन एक्सचेंज मेथड हमारा क्या है, तो सबसे पहले हम इसको एक बार इंग्लिश में रीडिंग लगा देते हैं, फिर आप अच्छे तरीके से इसको देख लेना, क्योंकि आपका ये बेसिकली दो सेपरेशन मेथड पूछता है, एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड और एक हमारा आयन एक्सचेंज मेथड। दिस इज द मोस्ट फास्ट एंड इफेक्टिव मेथड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ लेंथेनाइड। तो बेसिकली जो हमारा ये आयन एक्सचेंज मेथड है ये सबसे फास्ट और सबसे इफेक्टिव मेथड है। हम इसको इसी मेथड का यूज करके हम अच्छे तरीके से लेंथेनाइड को सेपरेट भी कर सकते हैं और इसके प्यूरिफिकेशन को भी हम अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो बेसिकली दो प्रिंसिपल के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, बाकी के तीन चार प्रिंसिपल आपको हम कल बताएंगे। तो लेंथेनाइड आयन ऑन कॉन्टेक्ट विथ सिंथेटिक रेजिन्स, ठीक है, Continuing COOH and SO3H group undergo the proton exchange, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है, पहला मेथड ये कि सर जब लेंथेनाइड आयन जो हमारा किसके कॉन्टेक्ट में आता है, सिंथेटिक रेजिन के कॉन्टेक्ट में आता है, तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, सर ये बेसिकली हमें COOH और SO3H जो हमारा होता है उसमें आपको ये प्रोटॉन एक्सचेंज करते हुए दिखाई देंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं लेंथेनम ले लिए प्लस थ्री और उसको 3H रेजिन के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सर LN सर रेजिन का थ्राइस और 3H प्लस आयन हमें बाहर की तरफ, मतलब कि हमारा जो प्रोटॉन है वो आपने यहाँ पे देखा जो प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ, जब ये रेजिन इसके साथ गया और ये प्रोटॉन बाहर की तरफ निकला, तो मतलब क्या आप देखने के लिए मिला आपको, सर यहाँ पे प्रोटॉन का एक्सचेंज हो रहा है। जब प्रोटॉन का एक्सचेंज होगा तो आपको यहाँ पे लेंथेनाइड को सेपरेट करने में आसानी होगी। तो कहने का मतलब ये है, पहला पॉइंट ये क्लियर आपको कर रहा है कि सर जब लेंथेनाइड हमारा किसी भी सिंथेटिक रेजिन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि जो थायोसल्फेट ग्रुप है और COHO ग्रुप है कंटिन्यू करेगा, और जैसे ही कंटिन्यू करेगा तो ये प्रोटॉन को एक्सचेंज, अंदर का प्रोटॉन बाहर जाएगा, बाहर का प्रोटॉन अंदर की तरफ आएगा। तो आप यही देखोगे जो लेंथेनम है, जो लेंथेनाइड हमारा है और जो रेजिन के साथ 3H हमारा आयन है, ये क्या होगा कि जो आयन उसके अंदर टूट जाएगा और टूटने के बाद जो रेजिन का आयन है वो लेंथेनम के साथ चला जाएगा और जो 3H प्लस आयन जो प्रोटॉन हमारा है वो बाहर की तरफ एक्सचेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब बेसिकली एक्सचेंज हुआ ना, ये लेंथेनम के साथ जाके ऐड हुआ, ये बाहर निकल गया, तो 3H प्लस आयन जो होगा हमारा बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, द बॉन्डिंग ऑफ लेंथेनाइड आयन टू द रेजिन डिपेंड ऑन इट्स साइज, स्मॉलर द साइज ऑफ लेंथेनाइड द मोर फॉर्मली इट इज बाउंड टू द रेजिन। तो कहने का मतलब क्या है कि सर जो लेंथेनाइड की बॉन्डिंग होगी आयन के साथ तो वो उसके रेजिन के ऊपर डिपेंड करेगा। जाहिर सी बात है रेजिन के साथ हमारा 3 हाइड्रोजन लगा, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सर जो बॉन्डिंग होगा लेंथेनाइड आयन का वो रेजिन पर डिपेंड करेगा, मतलब कि जो साइज होगी, अगर इट डिपेंड ऑन साइज, स्मॉलर साइज ऑफ लेंथेनाइड, जितना छोटा साइज होगा लेंथेनाइड का उतना ही वो अच्छे तरीके से बाइंड करेगा रेजिन के साथ। कहने का मतलब ये है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, सर जितनी साइज छोटी होगी वो उतना ही अच्छे तरीके से बाइंड करेगा। तो यहाँ पे भी वही बता रहा है कि लेंथेनाइड आयन रेजिन के ऊपर डिपेंड कर देता है और बताता है कि जो साइज होगी जितना छोटी होगी लेंथेनाइड की उतना ही वो अच्छे तरीके से वो बाइंड करेगा रेजिन के साथ। एंड इट बाउंड ऑन इट्स रेजिन वाइस वर्सेस सिंस द लेंथेनाइड इज ऑल्सो सो द सिमिलर प्रॉपर्टी विद इट। सो यहाँ पे भी लेंथेनाइड के साइज के ऊपर डिपेंड कर देता है, जितना साइज छोटी होगी उतने अच्छे तरीके से रेजिन यहाँ पे बाइंड करेगा।
तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा आयन एक्सचेंज मेथड है अब वो मोर इफेक्टिव मेथड है, अच्छे तरीके से आप आराम से सेपरेट कर ले रहे हो। रेजिन के साथ आपने देखा क्या, रेजिन के साथ आपने लेंथेनॉन को आराम से सेपरेट कर दिया और जो प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट था उसको आपने आराम से अकेले पीछे की तरफ देख लिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मेथड होता है बेसिकली मोर इफेक्टिव मेथड होता है। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ड्यू टू इसमें नेट की वजह से और बेसिकली शाम के वजह टाइम में नेट नहीं पकड़ता और बहुत कम लोग लाइव जुड़ते हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और बेसिकली जो ये टॉपिक है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइकली आपको जो सिलेबस में था तो हमें कंप्लीट कराना था, तो बेसिकली आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। आई होप कल से हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो ये हमारा ये लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।